नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि ट्वेल्थ साइंस आपने पीसीबी से आपने कर रखी है तो आप आगे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन रहता है, आपने जैसा कि बायोलॉजी ली हुई है ट्वेल्थ के अंदर, तो दोस्तों आप मेडिकल की पढ़ाई आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल की पढ़ाई आपने नहीं करनी है तो आप कुछ ये कोर्स हैं उनमें से कोई कोर्स चूज करके वो कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों आप MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं। दोस्तों मेडिकल साइंस के अंदर ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसके अलावा आप BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आप कर सकते हैं। दोस्तों BAMS, दोस्तों बताना चाहूँगा, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। दोस्तों BAMS कोर्स के अंदर आपको दोस्तों आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा आप BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी आप कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप BSc डिग्री भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये चुन भी सकते हैं कि आपको किसके अंदर BSc करनी है। दोस्तों आपका जिस भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं BSc के अंदर। ये कुछ BSc के सब्जेक्ट है दोस्तों, BSc इन बॉटनी। दोस्तों बॉटनी को प्लांट साइंस के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा BSc इन जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर एनिमल की जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो करवाई जाती है। इसके अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं एनिमल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, बिहेवियर एंड कन्वर्सेशन। इसके अलावा BSc इन नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि BSc नर्सिंग के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी देखा गया है। इसके अलावा आप BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट और फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा BSc इन होम साइंस ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा BSc इन एंथ्रोपोलॉजी ये भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप BSc इन रेडियोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ये भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फूड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन सा फूड आपको किस तरह से खाने से आप स्वस्थ रहते हैं ये आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिहैबिलिटेशन थेरेपी भी आप कर सकते हैं। ये एक तरह का अंडर ग्रेजुएट फिजियोथेरेपी कोर्स होता है। इसके अंदर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है और टेक्निक्स होती है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियोलॉजी के अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं और ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसके अंदर आपको हियरिंग बैलेंस रिलेटेड जो है डिसऑर्डर जो होते हैं इनके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप इंटीग्रेटेड MSc जो कि 5 साल की होती है, जिसको क्या है कि स्पेशली बनाया गया है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस यानी कि दोस्तों BNYS भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों बताना चाहूँगा कि 4 से लेकर 5 सालों का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 12th के बाद आप जनरल BSc डिग्री भी आप ले सकते हैं। ये एक तरह का फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि स्पेशली क्या है कि स्टूडेंट जो कि अपना करियर साइंस फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं उनके लिए होता है। इसके अलावा आप BPharma बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और इन कोर्सेज की अगर बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और ये जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं। आप दोस्तों BDS यानी कि दोस्तों बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी भी आप कर सकते हैं और ये भी अंडर ग्रेजुएट डेंटिस्ट्री कोर्स होता है। दोस्तों कोर्स के अंदर क्या है कि 4 साल की रेगुलर आपकी स्टडी रहती है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप इसके अंदर आपको करनी होती है।
इसके अलावा आप DMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। ये कोर्स दोस्तों 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। अलावा अगर आपका इंटरेस्ट एनिमल्स के अंदर है तो दोस्तों आप BVSC बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कोर्स है जो कि आप 12th साइंस PCB के बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।